कैसी है तेरी आस था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते है गाते हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम पास्का का तीसरा रविवार में प्रवेश करते हैं। आज की पूजन पद्धति में हम विशेष रूप से जीवंत प्रभु को अपने जीवन में महसूस करने के लिए आए हैं। आज हम पुनर्जीवित प्रभु के साथ मिलकर उनकी उपस्थिति में रहने आए हैं। आज का दिन हम सभी के लिए कृपा का एक माध्यम बन जाए, अनुग्रह से भर जाए। और आज हम उन सभी भाई और बहनों को याद करते हैं जो चर्च नहीं जा पा रहे हैं, अपने घरों में हैं, उन सभी के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं। प्रभु आज उन्हें स्पर्श करे और पुनर्जीवित प्रभु उनके जीवन में आ जाए, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। आज हम सभी के लिए विशेष अनुग्रह का दिन है, क्योंकि प्रभु अपनी जीवंत उपस्थिति के द्वारा न केवल अपने शिष्यों को लेकिन हम सभी को भी एक कृपा के लिए बुलाए हैं। उस पुनर्जीवित प्रभु यीशु को स्पर्श करने के लिए बुलाए हैं। आज हम पवित्र आत्मा से भर जाएं, प्रभु की आत्मा से अपने जीवन को हम संचालित करें। आज हम उन सभी भाई और बहनों की प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सामने रखते हैं जिन्होंने मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए कहा है, निवेदन प्रभु के सामने रखे हैं। प्रभु उन सभी की प्रार्थनाओं को सुने, उन सभी के निवेदनों को स्वीकार करें, उनके जीवन में प्रभु आ जाए, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। आइए हम क्वेश्चन मौन रहें हमारे पापों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, हमारी गलतियों के लिए, प्रभु से क्षमा मांगे। जब हम अपने भाई बहनों से दूर हो गए, उनसे घृणा करने लगे, जब हम पाप में गिर गए, जब हमने पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, अपशब्द कहें, उन सभी बातों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो प्रभु मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे
हे मेरे नाथ, तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे, तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो, मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। करते हैं हम तेरी स्तुति सब गाते हैं, महिमा 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 पूछे नव में महिमा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है, यीशु कृष्ण इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं, महिमा 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 पूछे नव में महिमा, जगत के सारे पाप के हार हम पर दया तू रखना सदा, पिता के नाई विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु, महिमा 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 पूछे नव में महिमा, पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है, पिता की महिमा सर्वपरि है, तेरी महिमा होती रहे, महिमा 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 हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी प्रजा नए आत्मिक यौवन में सदा आनंदित रहे, हमें तेरी दत्तक संतान होने का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है, इसलिए हम हर्षित हैं। तेरी कृपा से हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बाट जोहते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु कृष्ण के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आप दोनों के हृदय और जिह्वा पर रहे, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पास्का का तीसरा इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वचन संख्या 13 से 15 और 17 से 19 तक। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला है,
किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। पैतरुस ने यहूदियों से कहा, इब्राहिम याकूब इसहाक के ईश्वर ने, हमारे पुरखों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह दुख भोगने वाले थे और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट आइए जिससे आपके पाप मिट जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1-5। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो, किंतु यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है अर्थात धर्मात्मा यीशु मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है
ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंच गया है। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia. प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 24 पद संख्याएं 35 से लेकर 48 तक। शिष्यों ने बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे यह सब बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिली। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूं। मुझे स्पर्श कर देख लो, प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहां तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्मग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम लोग इन सब बातों के साक्षी हो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम आज पास्का रविवार के तीसरे रविवार में प्रवेश किए हैं और इसी के साथ जब आज के पहले पाठ में प्रेत चरित्र में हमने पढ़ा कि जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। जी हाँ, क्रिसमस में प्रिय भाइयों और बहनों, हम उस प्रभु के बारे में आज सुन रहे हैं। इन दिनों विशेष रूप से आज हम उस प्रभु के बारे में सुन रहे हैं जो हमारे लिए दुख भोगे
मर गए क्रूस पर और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं। प्रभु का जी उठना हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जो कुछ लिखा गया था प्रभु के बारे में पुराने व्यवस्थान में नबियों द्वारा, वह सब कुछ पूरा हो जाना आवश्यक था। और यह सब पूरा होना न केवल आवश्यक लेकिन हमारी मुक्ति के लिए भी बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि पुनर्जीवित प्रभु आज उनका उल्लास, उनका अनुभव जो शिष्यों को दिया, जो ज्ञान उन्होंने शिष्यों को दिया, जो प्रेम उन्होंने शिष्यों को दिया, उसी प्रेम से भरकर, उसी ज्ञान से भरकर उनके शिष्य इकट्ठे होकर प्रार्थना किया करते थे, लोगों को प्रभु के वचनों के बारे में बताया करते थे। जब प्रभु के शिष्य प्रभु के मर जाने के बाद और उसके बाद उन्होंने सुना कि प्रभु जी उठे हैं, उसके बाद भी वे विश्वास नहीं कर पाते हैं, उसके बाद भी कई शिष्य प्रभु को छूना चाहते थे, वे उनको देखकर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यह प्रभु ही है या और कोई है। इसीलिए आज जब प्रभु अपने शिष्यों को दिखाई देते हैं तब उन्हें प्रभु यही कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, और यह सुनकर सभी शिष्य घबरा जाते हैं। आज हम हमारे हृदय को देखें, हमारे मन को देखें, क्या हमारे मन में शांति है, क्या हमारे हृदय में शांति है, क्या हमारे घर में शांति है, क्या हम आसपास में रहते हैं उन लोगों के मन में शांति है, या एक देश दूसरे देश के प्रति जो घृणा करता है क्या उनमें शांति है। आज शांति की कमी है, न केवल हमारे दुनिया में लेकिन हमारे मन में भी। आज हम भटक चुके हैं, आज हमारा अंतरतम प्रभु से दूर हो गया है। इसीलिए प्रभु आज अपने शिष्यों को यही कहते हैं। जब कभी भी प्रभु उनसे मिलते हैं तब प्रभु उन्हें यही कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। और जब शिष्य भी कभी दूसरे अपने अन्य भाइयों से मिलते थे या अन्य विश्वासियों से मिलते थे तो वे यही कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, क्योंकि प्रभु ने ही उन्हें यह सिखाया है, क्योंकि प्रभु ने ही उन्हें यह ज्ञान दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ, अगर तुम्हें मेरे नाम से कोई एक गिलास पानी भी पिलाए तो तुम वहाँ ठहर जाओ और वहाँ पर अपनी शांति, ईश्वर की शांति वहाँ पर छोड़ दो। इसलिए आज हम जब प्रभु के सामर्थ्यवान पुनर्जीवित प्रभु येसु के नाम से जब हम आते हैं तो विशेष रूप से प्रभु का अनुग्रह और प्रेम लेकर आते हैं। आज के दूसरे पाठ में हमने पढ़ा कि वहाँ पर लिखा है, उन्होंने हमारे पापों के लिए और समस्त संसार के पापों के लिए भी प्रायश्चित किया है। हम कहते हैं कि हमारे जीवन के लिए कौन प्रायश्चित करेगा, हमारे पापों के लिए कौन प्रायश्चित करेगा, लेकिन प्रभु येसु ने सर्वप्रथम हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उन्होंने प्रायश्चित किया है। इसीलिए आज के दूसरे पाठ में प्रभु का वचन वहाँ पर कहता है कि जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो दूसरों के सामने तो प्रभु प्रभु कहकर चिल्लाते हैं लेकिन जब वे अकेले रहते हैं तो उनके मन में घृणा होती है। जब वे प्रभु के साथ नहीं होते हैं तो वे दूसरों की बुराइयां करते हैं। तो ऐसा ही जीवन जब हम जीते हैं तो हमारे मुख में हम कहें कि प्रभु आप हमारे सब कुछ हैं, लेकिन बाद में आप उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते या उनके साथ में नहीं रहते,
तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैं प्रभु का दास हूँ या प्रभु की दासी हूँ। प्रभु आगे कहते हैं कि परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुँच गया है। जब प्रभु को पकड़ लिया गया, उन्हें मार डालने की साजिश की गई, उस समय प्रभु के शिष्य डर के मारे भाग गए थे। लेकिन जब उन्होंने प्रभु के प्रेम को पहचान लिया, जब पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस किया, जब पवित्र आत्मा को अपने जीवन में धारण किया, तब वे बहुत ही निर्भीकता से पूर्ण विश्वास के साथ उस प्रेम को समझ गए जो प्रेम प्रभु ने उनसे किया। प्रभु ने उनसे इतना प्रेम किया कि अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसी प्रेम को वे समझ गए और लोगों के बीच में जाकर पुनर्जीवित प्रभु यीशु का प्रचार करने लगे। हमारा जीवन भी इसी प्रकार का होना चाहिए। निर्भीकता से जब हम प्रभु के प्रेम को पहचान जाते हैं, प्रभु को पहचान जाते हैं, तो अपने जीवन की आहुति देने के लिए भी हमें कभी नहीं डरना चाहिए। हमें मरने से भी कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। उसी प्रेम को प्रभु के शिष्य पहचान गए थे। लेकिन जब प्रभु उनके सामने आते हैं, आज के सुसमाचार में जैसे हमने सुना है कि जैसे ही प्रभु उनके सामने आते ही वे डर जाते हैं। प्रभु उनसे कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। अपने हाथों को दिखाकर वे उनसे कहते हैं कि मुझे स्पर्श कर देख लो। आज जब हम ईसा बलिदान में आते हैं, तो हमें आज प्रभु को स्पर्श करने की ज़रूरत है, प्रभु को महसूस करने की ज़रूरत है। प्रभु इसीलिए कहते हैं हम सभी को, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हम सभी ही धन्य हैं। इसीलिए जब हम प्रभु के साथ में आए हैं, आज पुनर्जीवित प्रभु यीशु को हमारे जीवन में पहचानने की हमें ज़रूरत है। प्रभु हमें शांति प्रदान करते हैं और पुनर्जीवित प्रभु हमारे जीवन में जब आते हैं, तो वह शांति हमें देते हैं जो स्वर्ग से वह लेकर आए हैं। जो स्वर्ग की शांति है, वही हमें प्रभु प्रदान करते हैं और उसी शांति के साथ हमें जीने के लिए प्रभु आज सिखाते हैं। प्रभु अपने शिष्यों के साथ उनसे कहते हैं कि उन्होंने यीशु को भुनी हुई एक मछली का टुकड़ा दिया। प्रभु के शिष्यों ने उन्हें एक मछली का टुकड़ा दिया और उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खा लिया। अब उनको विश्वास हो गया कि यह प्रभु ही है। अब उनको विश्वास हो गया कि यह प्रभु ही है जो उनके साथ अब भोजन करने को भी उनके साथ में बैठ गए हैं। पहले वे डर गए थे। यह एक प्रक्रिया है जब कोई व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है। जब प्रभु उनके पास आए, तो वे पहले डर गए, घबरा गए, लेकिन धीरे धीरे प्रभु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं जीवित हूँ, मैं जीवित प्रभु हूँ, मैं मृतकों का नहीं, मैं जीवितों का प्रभु हूँ। इसीलिए प्रभु ने आज यही कहा कि मूसा की संहिता और नबियों द्वारा और भजनों में जो कुछ लिखा है, वह सब कुछ पूरा हो जाना आवश्यक है। जी हाँ क्रिस्म प्रिय भाई और बहनों, सब कुछ पूरा हो जाना आवश्यक है। हमारे जीवन में आज हम प्रभु की शांति को महसूस करें। बहुत सारे भाई बहन जो हमें देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, प्रभु आज उन्हें शांति प्रदान करे। जिनके मन में, हृदय में डर है, प्रभु उन्हें शांति प्रदान करे। जिनके घर में बीमारी का आतंक है, प्रभु उन्हें शांति प्रदान करे। जिन अस्पतालों में कमियां हैं, प्रभु उन सभी में विशेष रूप से अपनी शांति को भर दे, अपने प्रेम को भर दे। हर एक प्रकार की कमियां वहां पर से दूर हो जाए, इसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। आज हम प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में और लोगों के जीवन में महसूस करें और उन सभी को समर्पित करें जो भाई बहन बीमार है, परेशानी में है, दुख में है, दर्द में है। प्रभु आज उन सभी को शांति प्रदान करें। आइए हम सभी खड़े होकर अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता,
स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा वारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, इस यूक्रिस्त समारोह में एकत्रित हम सभी ख्रिस्त विश्वासियों के बीच पुनर्जीवित प्रभु यीशु उपस्थित होते हैं और अपने शरीर का स्पर्श करने देते हैं। हम उनके द्वारा अपनी समस्त आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रख कर उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि मसीह के प्रतिनिधि और कलीसिया के मार्गदर्शक होने के नाते वे साहस, निर्भीकता और दृढ़ विश्वास के साथ मसीह के सुसमाचार की घोषणा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय विश्वासी अपने विश्वास में दृढ़ एवं निष्ठावान बने रहें और प्रभु के सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताएं। समस्त परिवार, गांव, शहर एवं विश्व में पुनर्जीवित मसीह के प्रेम और शांति को फैलाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विविध धर्मावलंबी के लोग मसीह और उनकी शिक्षा का विरोध ना करें और मसीह सुसमाचार प्रचार को लेकर जनता के बीच अशांति ना फैलाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी ईसाई मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें जो अपने घर परिवार और अपने देश को छोड़कर मसीह के मिशन और सुसमाचार को फैलाने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिए हैं। पिता ईश्वर उनको अपनी विशेष कृपा और आशीर्वाद प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस बलि समारोह में अपने सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि सभी ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएं और अनंत आनंद प्राप्त कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कोरोना महामारी से पीड़ित सभी भाई और बहनों के लिए, जो अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, जो गांवों में हैं। ईश्वर उन सभी को चंगाई प्रदान करे। पुनर्जीवित प्रभु उन सभी के बीच में जाए, उन्हें स्पर्श करे और उन सभी को अपनी शांति से भर दे, अपने प्रेम से भर दे। इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें जो भाई बहन बहुत गंभीर समस्या में हैं, परेशानी में हैं, जिनके पास ऑपरेशन करने के लिए पैसे भी नहीं हैं, उन सभी को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं कि ईश्वर सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। आइए हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें। कुछ क्षण मौन रहें। हमारे हृदयों में बहुत सारी प्रार्थनाएँ हैं,
मन में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, उन सभी प्रार्थना को इस वेदी पर रखते हुए विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि हे पुनर्जीवित प्रभु यीशु, सभी को स्पर्श किए हैं, हमारे मन को स्पर्श किए, हमारे शरीर को स्पर्श किए हैं और हम सभी भले चंगे हो गए हैं। इसके लिए हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी के बीच में रहें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, अपने पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी आत्मा द्वारा वरदान प्रदान कर उनको पापों की क्षमा करने की शक्ति दी और अपने मिशन को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया। हमें यह कृपा दे कि हम तेरे पुत्र के मिशन में सहभागी हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए इस सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी उल्लासमयी कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर, तेरी ही कृपा से इसको यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थाई सुख का फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। ये ही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाई गई परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से भोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। Thank you.
शांति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम पहले तीनों धाम पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर हे प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक फादर मैथ्यू तड़ोनाल की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में
परलोक सिधा चुके हैं। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, उन सभी बीमार भाई बहनों को याद करें जो इन दिनों विशेष रूप से कोरोना महामारी से प्रभु के पास पहुंच गए हैं। उनकी आत्माओं की शांति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन सभी को अनंत जीवन प्रदान करे। प्रभु उन सभी के परिवारों को विशेष रूप से शांति प्रदान करे। प्रभु उन सभी भाई बहनों के लिए विशेष रूप से अपने स्वर्ग का द्वार खोल दे, उनकी गलतियों को पापों को क्षमा करे। इसके लिए हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर, हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेतो तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के सारा तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम विशेष रूप से पूरे भारत देश को प्रभु के सामने समर्पित करें, सभी धर्म प्रांतों को प्रभु के सामने समर्पित करें, हमारे इंदौर शहर को हम प्रभु के सामने समर्पित करें कि प्रभु हम सभी को चंगाई प्रदान करें, इस महामारी से हम सभी को बचाएं। आइए हम प्रभु से विशेष कृपा और आशीष मांगें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेतों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं, धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र युक्रिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाए, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। शिष्यों ने प्रभु यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। आलेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शास्त्र संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु की आशीष के लिए हम सर झुकाएं। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके उसको दत्तक संतान बना लिया है। वही आप लोगों को आनंद का वरदान दे। मुक्तिदाता क्रिस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का अधिकारी बनाए। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास द्वारा क्रिस्त के साथ जी उठे हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। हम सभी विदा ले, क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताए। आलेलुया, आलेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। आलेलुया, आलेलुया। सुखी हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया।